अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको थायरिस्टर फैमिली या पिन पिन डिवाइसेज की सीरीज में पहले डिवाइस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बेसिक कंस्ट्रक्शन और उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूंगा। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR यह पिन पिन डिवाइस फैमिली की इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। ये पिन पिन डिवाइस फैमिली में आती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस की बात करें अगर हम, रिले कंट्रोल्स, टाइम डिले सर्किट्स, रेगुलेटेड पावर सप्लायर्स, स्टैटिक स्विचेस। स्टैटिक स्विचेस में होती है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, स्विच जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। मोटर कंट्रोल्स, चॉपर्स, इन्वर्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स, बैटरी चार्जर्स, प्रोटेक्टिव सर्किट्स, हीटर कंट्रोल्स और फेज कंट्रोल। SCRs को 10 मेगावाट पावर तक के कंट्रोल सर्किट्स में काम लेते हैं। ये 10 मेगावाट टोटल पावर है, ज़रूरी नहीं इसमें एक SCR लगाओ, एक से ज़्यादा SCR भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है 10 मेगावाट पावर तक के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स बात कर रहे हैं। इसके अराउंड वैल्यू के हम SCRs को यूज कर सकते हैं। और इंडिविजुअल पावर करें की बात करें तो 2000 V या 1800 वोल्ट तक, ये एक अप्रॉक्स रेंज है जिसके अराउंड हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ एप्लीकेशन 50 kHz होने का, इसमें क्या है कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 50 kHz के अराउंड तक हो सकती है, इसलिए इसको इंडक्शन हीटिंग व अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग में भी काम लेते हैं। SCR का बेसिक ऑपरेशन, अब SCR के अंदर एनोड, कैथोड और ये गेट। SCR में 3 टर्मिनल्स हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज को हम VF कहते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को, और गेट करंट को बोलते हैं IGT। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, इसमें 4 लेयर्स हैं PN, और गेट जो है वो तीसरे लेयर से जुड़ा हुआ है, दिस इज गेट और ये करंट IGT, और इधर उसको हम कैथोड, इधर वाले को उसको हम एनोड कहते हैं। उसके बाद SCR को 2 ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया है, जो फिगर बी है ये वाला, इसको हमने नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो हमने ब्रेक करके दिखाया, तो एक ट्रांजिस्टर PNP, ये ऊपर का ट्रांजिस्टर तो बन गया PNP और ये एनोड है, नीचे बन गया NP और N, और यहाँ जो है वो थर्ड लेयर में आपका गेट है और ये करंट है IGT शो के है। और ट्रांजिस्टर के सिंबल में बात करें तो ये थर्ड वाला दिखाया है PNP ट्रांजिस्टर है, तो ऊपर जो है सबसे ऊपर जो है ये एमीटर, ये एमीटर 1, दिस इज एमीटर 2, तो ये भी PNP, इसको हम ट्रांजिस्टर Q1 बोल रहे हैं, इसको Q2 बोल रहे हैं, और ये गेट है। SCR का मटीरियल सिलिकॉन होता है, जिसमें तीसरा टर्मिनल कंट्रोल पर्पज से है, तो तीसरा टर्मिनल जो गेट यूज कर रहे हैं वो इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा टर्मिनल दिया है। सिलिकॉन को हाई टेम्परेचर पावर पर काम में ले सकते हैं, सिलिकॉन की ये क्वालिटी है कि इसको हाई टेम्परेचर और पावर पर काम यूज कर सकते हैं। SCR का ऑपरेशन 2 टर्मिनल डायोड ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। अब SCR का ऑपरेशन 2 टर्मिनल डायोड से बिल्कुल अलग है। डायोड में तो सिंपल आप फॉरवर्ड बायस देंगे तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस देंगे तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन SCR में तीसरा टर्मिनल गेट भी महत्वपूर्ण है। गेट के ऊपर क्या करंट दे रहे हैं, क्या वोल्टेज दे रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपका SCR कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। SCR में डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग के अलावा गेट की कंडक्शन भी, गेट की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है कि गेट की कंडीशन क्या है, गेट पर हम कितना वोल्टेज अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग SCR बिहेव करता है। SCR का कंडक्शन रेंज में डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये अब हम अप्रॉक्स वैसे ही जनरल पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 0.01 ओम से लेकर 0.1 ओम के करीब ये कंडक्शन रेंज के अंदर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। और रिवर्स डायरेक्शन की बात करें तो ये 100 kΩ या उससे ज़्यादा का हो सकता है। SCR को फॉरवर्ड बायस करने के अलावा गेट पर भी सफिशियंट करंट SCR को ऑन करने के लिए आवश्यक है। मैंने पहले भी बताया आपको
कि SCR को फॉरवर्ड बायस करने के अलावा एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव देने के अलावा गेट करंट कितनी दे रहे हैं या गेट पर क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस बात पर SCR का ऑपरेशन डिपेंड करेगा। अब ऑफ स्टेट की बात करें SCR की, तो पहला डायग्राम ए के अंदर देखें तो स्टार्टिंग के अंदर ये जीरो से लेकर के T1 तक जो है वो हम कोई गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है वो वी गेट जो है 0 वोल्ट है। तो इसके अनुसार ये कैसे बिहेव करें उसकी बात करें, 0 से T1 में वी गेट 0 वोल्ट, इससे क्या होगा बेस या इस बेस और एमिटर के बीच में वोल्टेज VBE2, वी गेट जिसको बोल रहे हैं 0 वोल्ट है, IB2 क्योंकि ये बेस IB2 है, ये IB2 है तो IB2 जीरो हो गया, IB बेस करंट 0 होगा तो ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ हो जाएगा, तो IC2 जो है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट ICU के बराबर होगा। तो Q1 का बेस करंट IB1 और IC2 बराबर है, क्योंकि दिस IB1 और IC2 बराबर है तो ये ICU बराबर होगा, यानी Q1 का बेस करंट जो है वो ऊपर वाले ट्रांजिस्टर का बेस करंट जो है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये बहुत कम करंट है तो Q1 भी ऑफ हो जाएगा, तो दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएंगे। सो हाई रेजिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2, तो दोनों ट्रांजिस्टर के बीच E1 और E2 के बीच में जो है हाई रेजिस्टेंस आएगा और ये ऑफ की तरह बिहेव करेगा। इसी टाइप से T=T1 पर इस पॉइंट पर एक पल्स दिखाई हमने, VG वोल्ट अप्लाइड एट गेट, तो गेट पर VG वोल्ट अप्लाई की जा रही है, ये दिस वन, इससे क्या होगा कि Q2 को ऑन कर देगा, ये जो गेट वोल्टेज है पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई की जाएगी जिससे Q2 ऑन हो जाएगी। एनोड से कैथोड, तो हम एनोड पर पॉजिटिव कैथोड पर नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, जब गेट पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे VG तो इससे Q2 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑन होने से क्या IC2 या IB1 ये हाई होने से आपका Q1 भी ऑन हो जाएगा, तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आपका ये SCR जो है कनेक्ट करने लगेगा। अब इसको एक बार ये कनेक्ट करना शुरू कर देता है, दो मेथड से इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, एक तो एनोड करंट को इंटरप्ट कर दें, एनोड करंट फ्लो होने से रोक दें तो ट्रांजिस्टर वापस ऑफ हो सकता है, या हम उल्टी फोर्स कम्प्यूटेशन लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं वो बता रहा हूँ अभी। पहला मेथड था सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट को ब्रेक कर दें, IA 0 कर दें तो शॉर्ट ये ऑफ हो जाएगा। दूसरा मेथड है शॉर्ट सर्किट कर दें, किसके क्रॉस SCR के क्रॉस, तो भी ये ऑफ हो जाएगा। इसी टाइप से फोर्स कम्यूटेशन में क्या कर रहे हैं, अपोजिट करंट फ्लो कराते हैं SCR में से, अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो कराएंगे तो भी SCR ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। अब ये करेक्टरिस्टिक दिखाई है मैंने, किस टाइप से SCR करेक्टरिस्टिक है, ये एनोड करंट, इधर जो है फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज हम देख रहे हैं कि आपका जो है करंट बहुत कम है और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये करंट हाई होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करें तो IG 0 पर गेट करंट 0 के ऊपर क्या है कि लगातार फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर के जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये एकदम से ब्रेकडाउन वोल्टेज में आ जाएगा, यानी जो रिवर्स बायस इसमें जो जंक्शन है वो ब्रेकडाउन में आ जाएगा और हाई करंट फ्लो होगी, तो ये कनेक्शन रेंज है। अब इसके अलावा यदि हम कुछ गेट करंट भी, इसमें IG 0 है, गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा पहले ही ब्रेकडाउन आ जाएगा, और गेट करंट बढ़ाएंगे तो ये सेकंड वाली IG 2, तो IG 0, IG 1, IG 2, तो इस वाली पे करेंगे तो सबसे कम सबसे जल्दी जो है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज इसमें कम सबसे कम देनी पड़ेगी VF3 और ये SCR जो है वो कनेक्ट करने लगे। तो इसमें तीन जंक्शंस, दो जंक्शन जो एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, दो जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है, तो ये लगभग जो है वो SCR की करेक्टरिस्टिक है। तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है कि इसके पश्चात जो SCR कनेक्शन रेंज में एंटर करता है, ये मैंने ऊपर दिखाया आपको। होल्डिंग करंट किसको बोलते हैं कि वो मिनिमम करंट जिस पर कि SCR कनेक्ट करता रहता है, इसके नीचे SCR ऑफ स्टेट में आ जाएगा, होल्डिंग करंट से कम करंट करने पर SCR जो है ऑफ हो जाएगा। फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो दोनों साइड में फॉरवर्ड और ब्लॉकिंग रीजन आई इस पॉइंट से पहले यहाँ से इधर की साइड में और इसमें इस रीजन में, तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन से, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ये वाली वोल्टेज रिवर्स में लगाई वह वोल्टेज जिस पर जीनर या एवलेंची
ब्रेकडाउन आ जाता है। तो एनोड और कैथोड के बीच में फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो इधर की करेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस लगाते हैं इधर की करेक्टरिस्टिक, और ये कैसे ऑपरेट करता है ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। तो ऊपर के इस वीडियो में मैंने आपको SCR की कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन और उसकी करेक्टरिस्टिक में बात की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद है इसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।